एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसी एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मुहावरे के बारे में। मुहावरा क्या होता है एंड वो कौन से इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, मोस्टली आते हैं एंड लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स में भी आए हैं, एंड उन्हें आप कितने ईजिली लर्न कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे मुहावरा होता क्या है, देन आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। मुहावरा क्या होता है? जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। मीन्स जब भी कोई वाक्यांश अपने सामान्य नॉर्मल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष, दैट मीन्स किसी यूनिक अर्थ को व्यक्त करे, तो हम उसे क्या कहेंगे? मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है, मीन्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत रोचक लगती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में रोचकता व रंजकता गुण आ जाता है, मीन्स बहुत प्यारी लगती है, राइट? एग्जाम्पल से अगर हम देखते हैं, हमारा ये क्या होता है? अर्थ है अनदेखा करना। आपका कोई अर्थ है अनदेखा करना। सो इसका मुहावरा हुआ आंखें चुराना, मीन्स किसी को अनदेखा करना। तो हमने उसे क्या कहा? आंखें चुराना। ये क्या है? हमारा मुहावरा हुआ। आंखें चुराना क्या हुआ? हमारा मुहावरा। तो लगाना ये एक रोचक शब्द। ये क्या होता है? हमारा अर्थ होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना। तो हमने मुहावरे में क्या यूज़ किया? आंखें चुराना। जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्यांश क्या होगा? मुसीबत के समय में अपने भी आंखें चुरा लेते हैं, मीन्स जब भी मुसीबत आती है तो अपने भी आंखें चुरा लेते हैं, अपने भी हम लोग अगर अर्थ को यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मुसीबत के समय में अपने भी हमें अनदेखा करते हैं। तो हम इसे इस वाक्यांश को हमें क्या करना है? प्रभावशाली बनाना है। तो प्रभावशाली बनाने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? मुहावरा का यूज़ कर लेते हैं। और वो मुहावरा क्या है? आंखें चुराना। दैट मीन्स मुसीबत के समय में अपने भी आंखें चुरा लेते हैं। क्लियर है नहीं आपको? समझ आ गया मुहावरा क्या होता है? अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष यूनिक वर्ड अर्थ को व्यक्त करता है, जिससे कि आपका जो वाक्यांश होता है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोचक हो जाता है। क्लियर है? नाउ हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जो एग्जाम्पल्स आपके किस में आए हैं? लास्ट के 10 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं आपके, एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये देख लेते हैं उनको। सो एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हमारा एक वाक्य है बहुत प्यारा होना, ठीक है? सो ये हमारा एक वाक्य है, इसका मुहावरा कन्वर्ट क्या हुआ? आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। और हमने यूनिक शब्द, एक रोचक शब्द बनाया, आँखों का तारा होना। तो ये क्या हुआ? मुहावरा हुआ, मीन्स बहुत प्यारा होना। सो जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग होगा, सभी बच्चे अपने माता पिता की आँखों का तारा होते हैं। ये क्या हुआ? इसका वाक्य का प्रयोग हुआ, मीन्स किसी वाक्य में हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे। सो ये समझ आ गया, मीन्स सभी बच्चे अपनी माता पिता के बहुत प्यारे होते हैं। क्लियर है आपको? नाउ सेकंड की बात करते हैं, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना किस वाक्य का मुहावरा होता है? ईद का चांद होना होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे कि कोई अगर आपको बहुत दिनों बाद दिखाई दे तो हम उसे क्या कहते हैं? अरे ये तो ईद का चांद हो गया। तो उसका हम वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? विदेश में रहने के बाद तुम तो ईद का चांद हो गए, मतलब विदेश में रहने के बाद तुम तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। तो इस हमने इसको और रोचक बनाने के लिए किसका यूज़ किया? मुहावरा का, दैट इज़ ईद का चांद होना। सो विदेश में रहने के बाद तुम तो ईद का चांद हो गए, ये इसका मुहावरा हो गया एंड ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। क्लियर?
Now, next, आग बबूला होना. It means आग बबूला होना किसके लिए होता है? बहुत क्रोध आना. जब बहुत क्रोध आना हम बात करते हैं किसी वाक्य प्रयोग में use करते हैं, तो उसका मुहावरा क्या हुआ? आग बबूला होना. अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखें, कक्षा में फेल होने की बात सुनकर पिताजी आग बबूला हो गए, means पिताजी बहुत क्रोधित हो गए. सो ये वाक्य का प्रयोग हमने क्या किया? इस वाक्य के जगह इस मुहावरे का यूज किया, जिससे कि आपकी लाइन क्या होती है? एक वाक्य प्रयोग रोचक वाक्य प्रयोग बन जाता है. जैसे कि आप बोलते, कक्षा में फेल होने की बात सुनकर पिताजी बहुत क्रोधित हो गए. सो इसे हमने क्या किया? यहाँ पर वाक्य का प्रयोग कर दिया, मुहावरा प्रयोग कर दिया कि फेल होने की बात सुनकर पिताजी आग बबूला हो गए. क्लियर है आपको? नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खुशी का ठिकाना ना रहना. किसका होता है ये मुहावरा? बहुत अधिक खुशी होना. जब बहुत अधिक खुशी होती है तो उसका क्या मुहावरा बनाया गया? खुशी का ठिकाना ना रहना. मींस अगर हम इसका वाक्य प्रयोग कर देते हैं तो बेटे के आईएएस बन जाने पर परिवार की खुशी का ठिकाना ना रहा. मींस बेटे के आईएएस बन जाने पर परिवार बहुत अधिक खुशी हो गया, बहुत अधिक खुश हो गया. तो उसकी जगह मुहावरा क्या यूज हुआ? परिवार की खुशी का ठिकाना ना रहा. ठीक है, सो बेटे की आईएएस बन जाने पर परिवार की खुशी का ठिकाना ना रहा. ये हमने क्या किया? मुहावरे का यूज किया है इस वाक्य में. क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, हंसी खेल होना. मींस छोटी मोटी बात, कहीं भी हम कहते हैं छोटी मोटी बात, तो उसका मतलब हंसी खेल होना. सो वाक्य प्रयोग करते हैं, जंगल में आना, जंगल में अकेले जाना कोई हंसी खेल नहीं होता. दैट मीन्स जंगल में अकेले जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. हम कहते हैं ना कि जंगल में अकेले जाना छोटी मोटी बात नहीं है. सो इसको, इस छोटी मोटी बात की जगह हमने क्या यूज़ किया? इसका मुहावरा यूज़ किया. क्या किया यूज? हंसी खेल होना. दैट मीन्स जंगल में अकेले जाना कोई हंसी खेल नहीं होता. क्लियर है आपको किस तरीके से मुहावरे यूज किए जाते हैं, किस तरीके से मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है? समझ आ गया? सो आइए आगे के मुहावरे भी देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्राण सूखना. ये क्या है? आपका मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है डर लगना. मीन्स आपका अर्थ है डर लगना, इसका मुहावरा क्या है? प्राण सूखना. तो वाक्यांश क्या होगा? आप इसका प्रयोग करेंगे मुहावरे का, आतंकवादियों को देखकर गांव वालों के प्राण सूख गए. मींस क्योंकि इसका अर्थ क्या है? डर लगना. अगर हम इस अर्थ को इस वाक्य प्रयोग में यूज करते हैं, आतंकवादियों को देखकर गांव वालों को डर लग गया. सो हमें इसे रोचक बनाना है, दैट मींस मुहावरे का यूज करना है. इसलिए जब हमने मुहावरे का यूज किया, आतंकवादियों को देखकर गांव वालों के प्राण सूख गए. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपना उल्लू सीधा करना. अपना उल्लू सीधा करना मीन्स स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना. तो इसके लिए हमने मुहावरा क्या हुआ इस अर्थ का? अपना उल्लू सीधा करना. अब हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं. आजकल कोई नेता देश का भला नहीं सोचता, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं. मीन्स सब अपना स्वार्थ के लिए करते हैं. ठीक है, सो आपको समझ आ गया? आजकल कोई नेता देश का भला नहीं सोचता, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं. क्लियर? वोट के टाइम पर सब अपना क्या करते हैं? अपना उल्लू सीधा करते हैं. नाउ एक आंख से देखना, सभी को समान भाव से देखना. एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ, सभी को समान भाव से देखना. वाक्य में प्रयोग करते हैं, घर का मुखिया सभी को एक आंख से देखता है. मींस हमारा अर्थ क्या है? घर का मुखिया सभी को समान भाव से देखता है. सो हमें इसका क्या करना है? रोचक बनाना है, मुहावरा यूज करना है. तो हो जाएगा घर का मुखिया सभी को एक आंख से देखता है, मीन्स समान भाव से देखता है. क्लियर है? तो हमारा ये मुहावरा हो गया. नाउ
अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, मना करना, क्लियर। सो किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, मना करना मीन्स अंगूठा दिखाना। सो वाक्य में उपयोग कीजिए, उधार के पैसे मांगने पर श्याम ने अंगूठा दिखा दिया, मीन्स मना कर दिया। तो आपको ये समझ आ गया, अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है, मना करना। वाक्य में उपयोग किया तो उधार के पैसे मांगने पर श्याम ने अंगूठा दिखा दिया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना मीन्स वश में करना, उंगली पर नचाना मीन्स वश में करना। सो वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, आजकल तो पत्नियां अपने पति को उंगली पर नचाती हैं, मीन्स अपने वश में रखती हैं। सो इसको जब हमने मुहावरे के प्रयोग में वाक्य का प्रयोग किया, आजकल तो पत्नियां अपने पति को उंगलियों पर नचाती हैं। सो यहाँ पर ये क्या हुआ आपका वाक्यांश, रोचक हो गया ना, लग रहा है ना प्रभावशाली आपको। इस तरीके से आपके 10 मुहावरे कंप्लीट हो जाते हैं। सो आइए आगे के इम्पोर्टेंट मुहावरे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है मुहावरा एक पंथ दो काज, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है एक साथ दो कार्य संपन्न करना, ठीक है। तो एक साथ दो कार्य संपन्न करना, इसका मुहावरा हमारा हो जाता है एक पंथ दो काज, क्लियर। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, दिल्ली में घूमने के साथ हम शादी में भी सम्मिलित हो गए, मींस दिल्ली में घूम भी लिए और शादी में भी सम्मिलित हो गए। सो दिल्ली में घूमने के साथ हम शादी में भी सम्मिलित हो गए, इससे एक पंथ दो काज हो गए, क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट मुहावरा आपको दिया है कमल कसना, कमल कसने का मतलब क्या होता है, तैयार होना, ठीक है। सो तैयार होना ये आपका अर्थ है, इसका मुहावरा आपको याद हो गया क्या होता है, कमल कस लेना, मींस कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए छात्रों ने अपनी कमर कस ली है, क्लियर, मीन्स वो तैयार हो गए हैं, कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए छात्र तैयार हो गए हैं। इसको हमने क्या किया, मुहावरे का यूज करके बनाया कि कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए छात्रों ने कमर कस ली है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट मुहावरा कलेजा ठंडा करना, मीन्स कलेजा ठंडा करना मीन्स संतोष होना, ठीक है। सो इसका वाक्य में प्रयोग, चोर को सजा दिलाकर विपुल का कलेजा ठंडा हो गया, मीन्स वो शांत हो गया। सो यहाँ पर कलेजा ठंडा होना क्या हुआ हमारा, मुहावरा हो गया। दैट मीन्स चोर को सजा दिलाकर विपुल का क्या हो गया, कलेजा ठंडा हो गया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट मुहावरा अंधे की लाठी, अंधे की लाठी मीनिंग एकमात्र सहारा, ठीक है। सो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, पिता की मृत्यु के बाद श्याम ही अपनी माँ की अंधे की लाठी है। हम इसका अगर जब हम अर्थ यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पिता की मृत्यु के बाद श्याम ही अपनी माँ का एकमात्र सहारा है। सो अब हमें इसे क्या बनाना है, रोचक बनाना है, वाक्यांश को प्रभावशाली बनाना है। हम इसमें क्या यूज कर लेंगे, मुहावरा यूज कर लेंगे, पिता की मृत्यु के बाद श्याम ही अपने मां की अंधे की लाठी है, क्लियर इतना आपको। नेक्स्ट आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मीन्स स्वागत करना, किसी का स्वागत करना, उसको हम मुहावरे में कैसे बोलेंगे, आंखें बिछाना, क्लियर। अब हम इसका क्या करते हैं, मुहावाक्यांश प्रयोग करते हैं, श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने आंखें बिछा दी। जब हम भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था, तो स्वागत करना, इसका हमने मुहावरा क्या यूज किया, आंखें बिछाना। श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने आंखें बिछा दी, क्लियर। इस तरीके से ये आपके मुहावरे वाक्यांश में प्रयोग किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम आगे के मुहावरे भी देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट अपने पैरों पर
खड़े होना मीन्स आपको मुहावरा क्या दिया है, अपने पैरों पर खड़े होना। इट मीन्स इसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट होना। ठीक है, सो हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, नौकरी मिलने पर अरुण अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा मीन्स नौकरी मिलने पर वह सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, वह आत्मनिर्भर हो जाएगा। सो आत्मनिर्भर अर्थ को हमने क्या किया, मुहावरे में प्रयोग कर लिया, दैट इज अपने पैरों पर खड़े होना। इससे आपका वाक्य रोचक हो गया, प्रभावशाली हो गया। सो वाक्य क्या हुआ, नौकरी मिलने पर अरुण अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। याद हो गया ना आपको। नेक्स्ट, आंखें फेरना मीन्स बदल जाना। ठीक है, आंखें फेरना मीन्स बदल जाना। मुसीबत के समय कुछ लोग आंखें फेर लेते हैं, ये सच्चाई भी है, मुसीबत के समय कुछ लोग बदल जाते हैं, कहते हैं ना हम लोग। सो जब हम इसमें मुहावरा यूज करते हैं, आंखें फेर लेना, संकट के समय कुछ लोग आंखें फेर लेते हैं। क्लियर। नाउ छक्के छुड़ाना हम क्या कहते हैं, बुरी तरह हराना। हम जब मैच होता है तो हम कहते हैं ना, बुरी तरह हरा दिया उसको, उस टीम को। सो भारतीय टीम ने इस टीम को बुरी तरीके से हरा दिया मीन्स छक्के छुड़ा दिए। सो मुहावरा हो गया ये हमारा, वाक्य में प्रयोग किया। तो क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका टीम के छक्के छुड़ा दिए। समझ आ गया, है ना इजी, कितना इजी है लर्निंग का तरीका। क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका टीम के छक्के छुड़ा दिए। नाउ नेक्स्ट, दांतों तले अंगुली दबाना मीन्स चकित हो जाना, देखते रह जाना। ठीक है, हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर दर्शकगण दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, क्योंकि वो इतने सुंदर है, वो देखते ही रह जाते हैं, वो चकित हो जाते हैं। सो इसलिए वाक्य में प्रयोग हुआ, अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर दर्शकगण दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। हो गया ना याद आपको। नाउ नेक्स्ट, अकल के घोड़े दौड़ाना इसका अर्थ हुआ कल्पनाएं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कल्पनाएं करते रहते हैं मीन्स अकल के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। सो वाक्य में प्रयोग क्या हुआ, मोहन हमेशा अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है। क्योंकि अगर हम अर्थ यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, मोहन हमेशा कल्पनाएं करता रहता है। सो अब हमने क्या किया, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोहन हमेशा अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है। तो आपको समझ आ गया, मुहावरा क्या करता है, किसी भी वाक्यांश को प्रभावशाली बनाता है मीन्स रोचक बनाता है, अच्छा लगाता है। क्लियर आपको। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं, नेक्स्ट लास्ट 5 मुहावरे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो आइए उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना मीन्स बहुत शोर करना। आसमान सिर पर उठाना ये मुहावरा हुआ आपका, और इसका अर्थ हुआ बहुत शोर करना। सो हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, अध्यापक के कक्षा में ना रहने पर बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं। क्लियर है आपको, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। जैसे कि हम अगर अर्थ यूज करते हैं तो अध्यापक के कक्षा में ना रहने पर बच्चे बहुत शोर करते हैं, ये आपका अर्थ होता है। लेकिन जब हम मुहावरा प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, तो हम इसे कैसे बोलते हैं, अध्यापक की कक्षा में ना रहने पर बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कीचड़ उछालना मुहावरा होता है, और इसका मीनिंग होता है किसी को बदनाम करना। ठीक है, सो वाक्य में प्रयोग करेंगे, बेवजह किसी पर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं होती। सो अगर हम अर्थ यूज करते हैं तो क्या बनता है आपका वाक्य, बेवजह किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन जब हम इसी को मुहावरा यूज करते हैं तो क्या कहते हैं, बेवजह किसी पर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं होती। राइट, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं,
छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना मीन्स ईर्ष्या से हृदय जलना, छाती पर सांप लौटना मीन्स ईर्ष्या से हृदय जलना। ठीक है, सो मुहावरा हम प्रयोग करेंगे वाक्यांश में, जब पड़ोसी ने नई कार ली तो शेखर की छाती पर सांप लौट गया। ठीक है, जो छाती पर सांप लौटना मीन्स आपका ईर्ष्या करना, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करना, ठीक है, या फिर ईर्ष्या से हृदय जलना। ठीक है, सो वाक्य प्रयोग समझ आ गया, जब पड़ोसी ने नई कार ली तो शेखर की छाती पर सांप लौट गया, याद हो गया आपको, है ना, बहुत इजी। नेक्स्ट, दिन दूना रात चौगना, कहते हैं ना हम ये मुहावरा, दिन दोगना रात चौगना मीन्स तेजी से तरक्की करना, तेजी से आगे बढ़ना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, रामदास अपने व्यापार में दिन दूना रात चौगना बढ़ रहा है, ये हमने यहाँ पर मुहावरे का यूज़ किया है। अगर हम अर्थ का यूज़ करते तो क्या होता है कि रामदास अपने व्यापार में तेजी से तरक्की कर रहा है। अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, मुहावरा यूज़ करना है, रोचक बनाना है ना, सो हम कहेंगे रामदास अपने व्यापार में दिन दूना रात चौगना आगे बढ़ रहा है। क्लियर। नाउ लास्ट, हथियार डाल देना, हथियार डाल देना मीन्स हार मान लेना। ठीक है, वाक्य प्रयोग, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानियों ने अपने हथियार डाल दिए, समझे, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानियों ने अपनी हार मान ली, ये तो आपका अर्थ यूज हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, मुहावरा यूज कर रहे हैं, तो मुहावरा यूज किया, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानियों ने अपने हथियार डाल दिए। ठीक है, इस तरीके से मुहावरा आपका वाक्यांश में प्रयोग किया जाता है, जो कि भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। सो आप इन सभी मुहावरों को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आगे भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस लाएंगे, और अदर वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अपने मैथ्स के सॉल्यूशन भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपके लिए सभी वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। यस मैम, मुझे समझ आ गया है, एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।